आज नगरी आगरा में सिकंदरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 इलाके में परिवार के 3 सदस्यों की आत्महत्या की घटना ने इलाके को हिला के रख दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक परिवार के रिश्तेदार की सूचना पर थाना सिकंदरा पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा गया है। एसपी सिटी आगरा विकास कुमार और एसएसपी आगरा प्रभाकर चौधरी ने आत्महत्या प्रकरण के खुलासे के लिए टीम का गठन भी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रकरण बुधवार सुबह का है, जब पुलिस कांस्टेबल रूम को सूचना मिली कि सिकंदरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने सुसाइड कर लिया है। तीनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस प्रकरण में पति पत्नी और एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि परिवार का एक सदस्य और मृतक परिवार का बेटा बच गया है। मृत दंपति में 32 वर्षीय सोनू शर्मा और 30 वर्षीय गीता शर्मा और उनकी 8 वर्षीय पुत्री दृष्टि शामिल है। घटना के खुलासे के लिए मौके के साक्ष्य संकलन किया गया है। इसके अलावा परिवार के नाते रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इलाके के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ते हमारे संवाददाता जितेंद्र तोमर की इस खास रिपोर्ट में। ये थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने फांसी लगा ली है। मौके पर जब पुलिस पहुँची, सारे लोग आए, फॉरेंसिक टीम भी आई और यहाँ से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूंकि जो मृतक है उसकी पत्नी उसकी बेटी है, मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोज़गार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के सेकेंड फ्लोर पर रहता था। इन लोगों ने ऐसा प्रतीत हो रहा कि कंसल्ट किया है आपस में, जो सुसाइड नोट के मुताबिक, उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। इनका एक और लड़का भी है जिसने शायद अपनी सहमति नहीं दी थी, वो नीचे चला आया था। उसी के द्वारा सूचना दी गई परिवार वालों को कि ऊपर ऐसी चीज़ उसको लग रहा है, उसको आशंका है कि ऐसी चीज़ हुई है। वहाँ पर जाकर के इनके परिजनों द्वारा देखा गया तो हैंगिंग पोजिशन में थे पूरी बॉडी और उनको इन्होंने उतारा। पुलिस मौके पर आई, आगे की और जो पंचायतनामा है 174 CRPC की कार्रवाई है वो प्रचलित है। सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है? मैंने देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।